हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ पासपोर्ट के ऊपर जो एक स्टेटस शो हो रहा है, पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस। ये स्टेटस शो होने से बहुत सारे लोग परेशान हैं और मतलब बेचैन है कि मैंने सारा प्रोसेस कर दिया पासपोर्ट बनवाने का और मेरा पासपोर्ट जो है एक महीने से या दो महीने से अभी तक मेरे घर आया नहीं। गाइस, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये किस क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम होती है जो ये आपका पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस में रुक जाता है, आपका फाइल रुक जाता है। अगर गाइस आप इस वीडियो को देख लेते हो लास्ट तक तो मैं आपको पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका पासपोर्ट 10 दिन के अंदर में आपके घर आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। गाइस देखो, गाइस ये मैंने पासपोर्ट अपना बनाया था और मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज पे और इस पे मैंने काफी सारा वीडियो बनाया है ताकि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था वो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके वजह से कितने लोग तो टेंशन में हो जाते हैं, यार लग रहा है मेरा पासपोर्ट तो आएगा ही नहीं। तो भाई मैं आपको समझा दूं, आपका पासपोर्ट आएगा क्योंकि आप साहिल भाई के चैनल पे आ गए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है इस वीडियो को देख के। ठीक है, देखो ये जो पासपोर्ट है ना, इसके लिए मतलब यार इंडिया का जैसे नंबर वन डॉक्यूमेंट में माना जाता है पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी भी बहुत हार्ड होती है। देखो आपने न्यू पासपोर्ट बनवाया होगा, ठीक है, तो आपका न्यू पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक किया होगा। अपॉइंटमेंट बुक करके जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जब जाते हैं आप, तो वहां जाने के बाद से आपका जो अपॉइंटमेंट होता है और डॉक्यूमेंट होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। वेरीफाइड होने के बाद से आपका फोटो क्लिक किया जाता है। ठीक है, फोटो क्लिक होने के बाद से जो भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट होता है वेरीफाई हो जाता है अच्छे से। फिर से आपको कुछ वहां पे पूछा जाता है, जो कुछ सवालों का जवाब देना होता है। ठीक है, और मुझसे भी पूछा गया था। ठीक है, तो अपनी स्टोरी भी बताऊंगा, मेरा भी पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस हो गया था और 2 महीने से पासपोर्ट मेरे घर नहीं आया था गाइस। ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, तो इस चीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं बता रहा हूँ, डिटेल को पूरा सुन लो। ठीक है, तो जब पासपोर्ट सेवा केंद्र हम जाते हैं वहां पे हमारा सारा फाइनल हो जाता है, जो भी वेरिफिकेशन होता है, फोटो क्लिक भी हो जाता है, फिर उसके बाद से हम अपने घर आ जाते हैं। तो हमारे घर मतलब आने के बाद से 1-2 दिन बाद से थाना से जो आपका पुलिस स्टेशन है आपके गांव के साइड में, जो भी जहां भी आप रहते होंगे वहां पे थाना पुलिस पे, तो वहां से आपको कॉल आता है कि सर आप आ जाइए, आपका पासपोर्ट का इंक्वायरी आया है। तो वो लोग थाना पे बुलाते हैं, फिर आप वहां से दूर जाते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं, आपका फाइल देखा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। वो देख लेने के बाद से आपका क्या किया जाता है, आपका फाइल कंफर्म करके वहां पे आपको सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, रीजनल ऑफिस को। फिर से कहीं कहीं तो मतलब दो दो आता है, एक तहसील से आता है और एक पुलिस स्टेशन से आता है सीबीआई जांच। तो ये कहीं मतलब सीबीआई जांच कहीं कहीं नहीं है। तो उसकी सारा कंप्लीट होने के बाद से जब आपका फाइल पुलिस स्टेशन से आपके नियर बाई जो मतलब आपके गांव का पुलिस स्टेशन है वहां से फाइल सबमिट करके जब रीजनल ऑफिस भेजा जाता है, रीजनल ऑफिस वो है जहां आपका ये पासपोर्ट बनता आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस जो है वो है लखनऊ में है। मैंने खुद गया था और पासपोर्ट वहां से मतलब जब मैं स्टेटस चेक कर रहा था तो पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस ऐसे जो आप स्टेटस में परेशान है देख के, तो वैसे दिखा रहा था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया था, मैं बोला यार चलो चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कॉल किया उन लोगों को, जैसे एक पासपोर्ट कॉल नंबर होता है, कॉलिंग नंबर आप नेट से निकाल सकते हो गूगल पे सर्च मार के। ठीक है, पहले वीडियो देख लो फिर गूगल पे सर्च मारना। ठीक है, तो मैंने कॉल किया तो उसने बोला, मैं बोला सर पैसा भी लगेगा कोई, नहीं सर पैसा नहीं लगेगा, आप आ जाइए वहां पे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि देखो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने के लिए आपको क्या अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती भाई, अपॉइंटमेंट कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, आपको वही अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको गार्ड एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म में अपना पासपोर्ट फाइल नंबर भर देना, उसके बाद से वो फॉर्म अंदर चला जाता है अधिकारी के पास, फिर से वो आता है तो फिर आपको अंदर बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप
आपको क्या करना है, जैसे आपका रीजनल ऑफिस में आपका पासपोर्ट फंसा हुआ है, पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस का मतलब ये होता है कि आपका जो पासपोर्ट का फाइल है वहां पे जाके रुक गया है, वहां पे होल्ड कर दिया गया है। आप पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाइए, विजिट कीजिए, ठीक है। वहां पे जब विजिट करेंगे तो ही आपका पासपोर्ट आएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के वजह से जो होता है, जैसे आपने हाई स्कूल पे जैसे आपने पासपोर्ट ऑनलाइन कराया था, वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया था। कई कई लोग मतलब उर्दू बोर्ड से कराते हैं, वो हो गया। कई लोग 8 का मार्कशीट जो है फेक बनवा लेते हैं, 10 का मार्कशीट फेक बनवा लेते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ जो पासपोर्ट ऑफिस के जो अधिकारी होते हैं लोग, वो चेक करने के लिए कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ये फर्जी बनवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कितना फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है आजकल, तो वो चेक करते हैं। आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपने आधार जन सेवा केंद्र पे लेके गए थे, और वहां ले जाने के बाद से जब आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि जाओ, आपका पासपोर्ट एक हफ्ते के अंदर में आपके घर चला आएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस का मतलब यही होता है कि आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विजिट मतलब वहां पे जाते नहीं हो, पासपोर्ट रीजनल ऑफिस अगर आप जाते नहीं हो, तो आपका गाइस मैं बता दूं, आपका 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। आप कुछ भी कर लो, आपका पासपोर्ट वही रुका रहेगा, ठीक है। तो आप मतलब जल्दी करो, वहां चले जाओ तो बेटर होता है, जल्दी से आपका पासपोर्ट चलाएगा। और मैं अपनी बात बता दूं गाइस कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैंने 10 की मार्कशीट में अपना ये पासपोर्ट बनवाया था, और मेरे साथ का मतलब मेरा भाई है, उसने भी पासपोर्ट पे बनवाया था। मैंने भी ये 10 की मार्कशीट पे बनवाया था, और मेरा मतलब पासपोर्ट वहां लखनऊ में पासपोर्ट रीजनल ऑफिस फंस गया था। मैं लखनऊ गया था, फिर मेरा पासपोर्ट आया। मैंने इस वीडियो के लिंक में अपना वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाला हूँ, आप जो देख लेना। मैं जब गया था तो वीडियो बनाया, उस पर ब्लॉग है, काफी बड़ा है, देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं गया था, सारा डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई किया, और वहां पे जाने के बाद से जब वहां डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किया, यहां भेजा, स्कैन किया, फिर उसके बाद बोला जाओ बेटा हो जाएगा। तो फिर मैं लखनऊ था, वहां से जब चेक किया दूसरा दिन, जैसे मैंने रुका था लखनऊ में, तो देख रहा हूँ वो स्टेटस, तो मेरा और दिमाग खराब हो गया यार। मैं तो गया था, स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ। तो फिर मैं गया भाई, दोबारा गया मैं रीजनल ऑफिस से उस ऑफिस पे, पासपोर्ट मतलब ऑफिस जो होता है वहीं पे रीजनल ऑफिस, मतलब इस चीज से लेकर दिमाग खराब हो गया था मेरा। और मैं वहां पे गया, बोला अरे बेटा फिर क्यों आए हो आप, आपका पासपोर्ट चला जाएगा, ये 2-3 दिन में चेंज हो जाता है स्टेटस, ठीक है। तो मैं फिर चलाया भाई खुशी खुशी से, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, क्योंकि जब अपना डॉक्यूमेंट फंसता है कहीं तो, ठीक है, ये गवर्नमेंट का जॉब है, बस आपका नाम है कि पासपोर्ट आपका है, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका ये पासपोर्ट ऑफिस में चला जाता है, जमा हो जाता है गाइस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, अगर आपका मतलब पासपोर्ट फंसा है तो आप रीजनल ऑफिस डायरेक्टली जाइए। और जाने के बाद एक और बात बता दूं कि आप रीजनल ऑफिस जब जाओगे तो वहां बहुत जो मतलब जो दलाल होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं कि क्या हुआ है बताओ, उन लोग के चक्कर में ना पड़े, आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर ये हो सकता है कि अगर आप जाना नहीं चाहते हो, किसी को पेमेंट दे के आप करा सकते हो, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से परेशान नहीं होना था, क्योंकि ये साथ ये मतलब जो भी है घटना मेरे साथ ही हुआ था, मैं परेशान हुआ। और देखो ये मेरा पासपोर्ट मेरे साथ में है, मेरे हाथ में है। तो ये 2022 का जो मैं न्यू आप लोगों को बताया हूँ 2022 वालों का, तो यही करना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और आपका भी पासपोर्ट आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अगर पासपोर्ट से रिलेटेड और भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस पर वीडियो एक दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।